आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए आ रही है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब इस मुद्दे पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में इस पर जवाब देने को कहा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती अब इस मुद्दे पर एक कदम और आगे चली गई हैं। उन्होंने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और जाति जनगणना को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, बावजूद इसके बीजेपी इसे करवाना नहीं चाहती है, जो बेहद चिंता की बात है। ये समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। मायावती ने कहा है कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहाँ यह जरूरी प्रक्रिया कब होगी। उन्होंने आगे कहा है कि देश के कई राज्यों में जाति जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय है, जबकि BSP की मांग केवल यूपी नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति जनगणना करानी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि देश में जाति जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। बता दें कि बिहार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार यूपी में जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस पर पहले ही अपना समर्थन जता चुकी है और बसपा सुप्रीमो ने सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग कर दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा अभी और जोर शोर से उठेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।